डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को कर रहे थे। एक्सरसाइज 7.4 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर और बात किया जाए तो 10, 11, 12 ये तीन क्वेश्चन पिछला दिन हम लोगों ने किया था। चलिए आगे उससे हम लोग करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है उसको जरा हम लोग देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके से है। 13 नंबर क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x-1 x-2 लिख लो भाई, ऐसा क्वेश्चन है। रूट अंडर x-1 और x-2 और इनटू में dx कैसे कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन इंटीग्रेशन हो गया। और दूसरे कि 1 है तो ऊपर 1 लिख दिया, रूट अंडर x को x के साथ यानी कि जो गुना करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा x²-3x+2 dx। देख लो भाई, हमने क्या किया कि x-1 और x-2 को गुना कर लिया तो क्या मिला, x²-3x+2। ठीक है दोस्तों, एक चीज और आपको हम बताए थे थ्योरी में कि अगर कभी भी द्विघात समीकरण रहेगा तो एक फार्मूला हम लोग अपनाए थे। यहां पे द्विघात समीकरण क्या है, x²-3x+2। इसका एक फार्मूला दिए थे कि a को बाहर कर लीजिए ब्रैकेट, x-b/2a² c/a - b² / 4ac। ये हम लोगों ने b² / 4a² ये हम लोगों ने सीखा था। चलिए, अगर कोई द्विघात समीकरण रहेगा तो हम लोग ये फार्मूला पे तोड़ लेंगे। तो यहां पे द्विघात समीकरण दिख रहा है आपको, क्या है द्विघात समीकरण है x²-3x+2। दोस्तों यहां पे आप पता कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि a का वैल्यू हो गया 1, x² का गुणांक b हो गया -3, x का गुणांक c हो गया कितना 2। अब क्या करो आप, a के जगह पे रख दो 1 ब्रैकेट, समझ में आ रहा है ना, x तो x वैसे ही छोड़ देंगे, -b/2 है तो b है -3 तो -3/2 a के जगह पे 1 का होल स्क्वायर प्लस c/a। c कितना है भाई, c है 2, तो 2/1 a का वैल्यू 1 -b² तो b है -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे 9/4 a² तो a² तो 1 का 1 छोड़ देंगे। तो कुल मिलाकर अभी हमको क्या आ रहा है जरा देखते चलिए, इसको मिटाते हैं ऊपर वाले स्टेप को। तो क्या मिला, 1 ब्रैकेट x और ये -- प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2/1 और 9/4 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 होगा, यहां हो जाएगा 8 - 9। और ये भाई एक है बाहर में तो एक से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है,
इसलिए हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा -1/4, ठीक है, -1/4। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस माइनस -1/4। इसका मतलब साथियों आपको समझ आना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण था उसको इस फार्मूले से हम क्या कर लिए, दो ठो अलग अलग कर लिए, एगो एक्स स्क्वायर हो गया, एक ठो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब जरा आप देख लीजिए, अब आप यहां पे करिएगा नाउ, मेरा तो सवाल यही था ना भाई, यही क्वेश्चन था ना, तो उसके नीचे लिखेंगे नाउ इतना बराबर इंटीग्रेशन 1/√। देख लो यही द्विघात समीकरण था, इस द्विघात समीकरण के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 dx। दोस्तों एक और यहां पे हम चीज कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला तब ना अपनाएंगे जब x स्क्वायर रहेगा a स्क्वायर रहेगा तब ना, तो उसको हम लोग चेंज कर लेते हैं 1/√। ध्यान से देखते रहो भाई, ये तो खुद स्क्वायर में है, x प्लस 3/2 का स्क्वायर, माइनस को माइनस छोड़ देंगे। अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 1/2 का स्क्वायर हो गया इंटू डी। अब ये किस फार्मूले पे आया दोस्तों, अगर बात किया जाए तो आप अच्छे से देखो, तो ये आ रहा है इंटीग्रेशन 1/√ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फार्मूला में। मतलब हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको फार्मूला याद होगा कि इंटीग्रेशन के अंदर 1/√ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है, एक्स का मतलब वही एक्स वाला पार्ट और ए मतलब कांस्टेंट। तो यहां पे हम लोगों को कैसे मिल रहा है, इसका फार्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस √x² - a² + c। तो यहां पे हम लोग कैसे करेंगे भाई, देख लो यहां पे अब हम लोग फार्मूला अपना देंगे, ये हो गया हम लोगों का x के जगह पे x प्लस 3/2 x हो गया और ये 1/2 हो गया हम लोगों का a। तो फार्मूला अपनाएंगे तो होगा log mod x लिखा जाता है, तो यहां हम लिख देंगे x प्लस 3/2 प्लस √x² - a² होता है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस सी। यहां तक भी दोस्तों आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका जो बुक में आंसर दिया हुआ रहेगा वो ऐसे दिया हुआ रहेगा एक्स प्लस 3/2, ठीक है, प्लस √, ये जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आप जरा पीछे देखिए तो इसी से चलते चलते ना आया था ये वाला चीज, तो इसके जगह पे वापस हम रख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 एंड इधर हो गया सी। तो इस तरीके से दोस्तों ऐसा चीज आपको करना पड़ेगा कब, जब कभी भी द्विघात समीकरण दिखे आपको क्वेश्चन में, अब उस द्विघात समीकरण को आपको चेंज करना रहे एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के फॉर्म में, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि कोई भी दो पार्ट को स्क्वायर तोड़ने में हम लोगों को मदद मिलती है इस फार्मूला से। किस फार्मूला से, तो भाई किसी भी द्विघात समीकरण में आप ए को बाहर कर लो और फिर एक्स माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर और प्लस c/a - b² / 4a² इस फार्मूले को यूज करके
कोई भी द्विघात समीकरण को हम लोग एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। चलिए एक और अगले क्वेश्चन की तरफ देख लीजिए, देन आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कोई द्विघात समीकरण दिख रहा होता है तो हम लोग उसको कैसे चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना किसका है, तो 1/8 + 3x - x² (√8 + 3x - x² · dx। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे भी करके इस द्विघात समीकरण जो दिख रहा है ये हम लोगों को दो पार्ट में बट जाता। कौन कौन से पार्ट भाई, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के रूप में, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, क्योंकि फार्मूला तो सबका होता है, हम लोगों को पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो कुछ भी हम लोगों को आ जाने चाहिए बस। तो आपको यहाँ पे ये लिखो, हियर हम यहाँ पे करने वाले हैं द्विघात समीकरण क्या है, 8 + 3x - x². इसके जगह पे एक फार्मूला पुट करने वाले हैं, वो फार्मूला क्या है, a को बाहर कर दो, x - b/2a का होल स्क्वायर कर दो, +c/a - b² / 4a² ब्रैकेट क्लोज कर दो। देख लो भाई अच्छे से फार्मूला, यही फार्मूला है जो आपको सहूलियत करेगा कोई भी द्विघात समीकरण को एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में तोड़ने के लिए। यहां से जरा आप बात कर लो तो इस द्विघात समीकरण में a का वैल्यू कितना है, तो आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को a कहा जाता है, तो a का वैल्यू हो गया -1, b का वैल्यू हो जाएगा 3 और c का वैल्यू हो जाएगा 8। ये उल्टा लिखा हुआ है तो हम लोगों को सोच समझ के काम करना है। वही मेरे a के जगह पे कितना है, -1 ब्रैकेट एक्स, तो एक्स माइनस तो माइनस, बी कितना है 3, 2 तो रखना ही रखना है लेकिन एक के साथ गुना करना है भाई, तो 2 को -1 के साथ गुना करेंगे तो -2, ठीक है, और पूरा का होल स्क्वायर प्लस c/a, सी कितना है भाई 8 और a कितना है -1, तो ये लिख सकते हैं 8/-1, फिर है माइनस, b का स्क्वायर करना है भाई तो b है यहाँ पे 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9/4a², तो 4a², तो a का वैल्यू -1 है और -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इट मीन्स कि 4 सिर्फ 4 आएगा, ब्रैकेट क्लोज। दोस्तों यहां हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, -1 को बाहर ही कर देंगे और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया +x + 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस यहां हम लिख सकते हैं -8/1 - 9/4, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्यूशन निकल लेते हैं कि क्या होगा यहां पे, तब हम फिर इससे चलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को कैसे कैसे मिल रहा है भाई, तो -1, अब ये तो फिक्स है x + 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस आप यहां पे 1 और 4 का एलसीएम ले लो, 4 यहां हो जाएगा -32 और यहां हो जाएगा -9, कितना बन जाएगा भाई -1 x + 3/2 का होल स्क्वायर, -32 और -9 कितना होगा -41/4 होगा ना भाई, लेकिन ये माइनस है तो माइनस इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा, है ना, जब कोई बाहर रहता है ब्रैकेट का
इसका मतलब ये इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा, तो माइनस वन को इसके साथ गुना करेंगे भाई तो कितना आएगा, ये माइनस में आ जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसके आगे माइनस, लेकिन ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 41/4, ठीक है। और इसको जब अच्छा लगने के लिए दोस्तों, इसको अच्छा लगने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, जो प्लस है ना 41/4 प्लस में है, तो 41/4 प्लस में लिख दिया, यहां माइनस है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। यानी कि दोस्तों हम लोगों ने समझा कि इस द्विघात समीकरण के जगह पे ये जो द्विघात समीकरण हम लोगों को था, इसके जगह पे कितना रख सकते हैं, इतना रख सकते हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप किसी भी द्विघात समीकरण को x स्क्वायर और a स्क्वायर में चेंज करना सीख लिए, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। कैसे, अब लिखेंगे नाउ, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या था, इंटीग्रेशन करो भाई, रूट अंडर एट माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर था क्या, 8 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर था, इंटू dx, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/, ये रूट में है तो रूट में ही रहेगा, 8 + 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 41/4 माइनस एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट लिख सकते हैं ना भाई, इस द्विघात समीकरण के जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे तो फार्मूला कब अपनाएंगे, जब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा तभी ना, तो इसको बना लीजिए भाई, इसका रूट अंदर तो सबके है। अब देख लो 41/4 है तो इसको आप लिख सकते हैं रूट 41/2 का होल स्क्वायर, 41/4 को रूट 41/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई, लिख दिया माइनस तो माइनस, यहां क्या तो एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। आप अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे तो यह एक फार्मूला पे हम लोगों को मिल रहा है। अब कौन सा फार्मूला है भाई, देख लो, तो इंटीग्रेशन रहता है, वन रहता है, रूट रहता है, कांस्टेंट पहले रहता है, ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर पहले रहता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पे डी एक्स। तो दोस्तों क्या होता है पता, साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा भाई, एकदम सटीक आंसर है, बस अब आप चीजों को जो सीखना है ना, वो चीजें ये है कि आप किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे चेंज कर पाते हैं, इसमें वही मेन है, अगर वो करना सीख लिया तब तो फार्मूला है भाई। देख लो ए की जगह पे हम लोगों को पूरा है रूट 41/2 और एक्स के जगह पे है एक्स प्लस 3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या है एक्स प्लस 3/2, बटा में कितना ए, तो ए कितना है रूट 41/2 और प्लस में सी, और एक्स का गुणांक कितना है 1, है ना भाई, एक्स के बगल में कितना है 1, तो जब 1 रहता है तो 1 से भाग या गुना करने पे कोई, अगर यहाँ पे 2 रहता तो 2 से डिवाइड कर देते, हालांकि कोई बात नहीं, यहाँ पे तो गुणांक 1 है, साइन इनवर्स ये 2 में ऊपर जाएगा तो 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस 2 को 2 से कट जाएगा तो 3/ रूट 41 और प्लस सी। तो दोस्तों ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप चीजों को देख पा रहे होंगे, हमें ऐसा लगता है कि आपका 15 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 13 के जैसा है, 15 नंबर क्वेश्चन किसके जैसा है 13 के जैसा है,
तो 15 नंबर क्वेश्चन छोड़ते हैं, आपको खुद से बनाना है, ठीक है, खुद से बनाना है, क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो 17 नंबर आपको क्वेश्चन जो है, 17 नंबर वो शायद हम आपको बताए हुए हैं किस फॉर्म में, तो जब हम लोगों का थ्योरी चल रहा था शायद उस टाइम हम आपको बता चुके हैं क्या, जब थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे तो शायद इस क्वेश्चन को किए थे, चलिए नहीं किए थे तो फिर हम लोग करेंगे। हालांकि 15 नंबर छोड़ते हैं, अब जल्दी देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 15 नंबर बिल्कुल 13 के जैसा है, ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन किसके जैसा है, बिल्कुल 13 के जैसा है, जिस तरह से 13 नंबर आए हैं वही तरह से वहां ए और बी दिया हुआ है, तो आप गुना कर लीजिएगा उसका तो चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो इजी वे में वो भी बन जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए 16 पे आते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त, 16 नंबर क्वेश्चन है 4x+1 इंटीग्रेशन है, ऊपर है 4x+1, नीचे है √x²+2x+3(b), ठीक है, यही है ना, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। सबसे पहले आपको याद दिलाते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोस्त सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो वह मेथड, ऐसा मेथड जिसको डिफरेंशिएशन किया जाए तो उसका डिफरेंशिएशन खुद सवाल में दिखता है, ठीक है। जैसे यहां पे अगर बात किया जाए तो अगर दोस्तों रूट के अंदर क्या है, तो 2x² + x-3 को अगर हम यहां पे टी माने, 2x² + x-3 को टी माने, तो इसका डिफरेंशिएशन करके क्या मिलेगा, 4x+1 dx = dt मिलेगा ना भाई, बिल्कुल मिलेगा। यहां से आपको क्लियर कट हो गया कि 4x+1 dx के जगह पे ऊपर हो गया dt और नीचे क्या हो गया भाई, √t। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/√t dt, और ये रूट है ना तो ऊपर ऊपर जाएगा तो -1/t dt। अब इसका इंटीग्रेशन करके जिसको जो t आया है उसके जगह पे हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो इस तरीके से जो हम लोगों को आंसर टी में आएगा, क्यों कैसे यहां पे -1/2 हुआ, क्योंकि यहां पे रूट में था तो रूट में हटेगा तो नीचे आएगा 1/2, उसको ऊपर ले जाएंगे तो -1/2, तो इसका इंटीग्रेशन करके जो आएगा टी के जगह पे फाइनल इतना रख दीजिएगा। तो कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगाकर उस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 17 नंबर का, ये बहुत इजी था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बनता है जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूशन किया। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे इसको दो पार्ट में अलग अलग करके बना सकते हैं, तो बनाइएगा, हम आपको हिंट्स दे देते हैं कैसे बनेगा 17 नंबर। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x+2 / √x²-a², √x²-1 dx। सबसे पहले दोस्तों ये इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन रहेगा, अब ये प्लस में है तो दो पार्ट में अलग अलग तोड़ सकते हैं, इट मीन्स x/√x²-1 और +2√x²-1 क्या dx, ठीक है, इंटू क्या dx। तो इस तरीके से हम लोग इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ दिए, अब हम इसको जानते हैं कि इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हैं दोस्त। पहला सिचुएशन ये होगा
कि x डिवाइडेड बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 dx को अलग और प्लस 2 बाय रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। दोस्तों सबसे पहले आप i1 निकालिएगा, इसको i1 मान लीजिए और इसको i2 मान लीजिए, ठीक है। आप सबसे पहले i1 सॉल्व कीजिएगा। i1 सॉल्व करते वक्त आप x स्क्वायर माइनस 1 को t मानिएगा, x स्क्वायर माइनस 1 को t मानिएगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x और माइनस 1 का 0, और x dx है ना मेरा यहां पे, तो उधर हो जाएगा dt बटा 2। तो ध्यान दे दीजिएगा, यहां पे नीचे वाले को t मान लीजिएगा और t मानने के बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। यहां पे दोस्तों सिंपल क्या करना है, 2 कांस्टेंट है, जब i2 का काम करेंगे 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लीजिएगा तो यहां बचेगा 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का कर दीजिएगा स्क्वायर, तो ये फार्मूला पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के रूट अंडर में, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और ट्राई करना है कि 18-19 अगर बनता है तो उसको भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, लेकिन ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आप क्वेश्चन को ट्राई करो, आप फार्मूले को बिल्कुल याद रख लो क्योंकि ये थोड़ा सा याद करना पड़ता है, इससे फार्मूला बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई तुम ना फार्मूला बताओ 1/x² + a² का dx क्या होता है, चार ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, माथा में चक्कर आ जाएगा देखने में, ये सब तो सही लग रहा है भाई किसको गलत करे, तो इसलिए सटीक आंसर आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।